अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हैदराबाद ब्लॉग। हैदराबाद ब्लॉग में मैं आपके लिए कोई फैशनेबल जगहें या नई जगहें या कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं लाया हूँ। मैं आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ कदामत पर, तारीख पर और हिस्ट्री पर, और मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाऊँगा हैदराबाद की 5 ऐसी जगहें जो शायद बहुत कम लोगों को इल्म है या किसी को इल्म ही नहीं है उसके बारे में। तो आज मैं वो 5 जगहें आपको जाहिर करूंगा। तो पहले मरहले में हम आए हैं यहाँ पे हैदराबाद मेन, हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान रोड पर। ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है जील पार्क का कदीम रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे मेन टंडो मोहम्मद खान रोड के ज़रिए कदमगा मौला अली। ये वो कदमगा नहीं है जो मशहूर है हैदराबाद में, ये एक पोशीदा और अनदेखी कदमगा है जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आए चलें, चलते हैं मेरे साथ, चले और देखते हैं कदमगा मौला अली। इस वक्त हम मेन हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान मेन रोड पर हैं और हम जा रहे हैं हैदराबाद से टंडो मोहम्मद खान की जानिब। और ये देखें आप दाएं तरफ जील पार्क सीमेंट फैक्ट्री का खूबसूरत मंजर। ये देखिए आप हैदराबाद की पहचान जील पार्क सीमेंट फैक्ट्री, ये आपके सामने। ये जब आप फतेह चौक से टंडो मोहम्मद खान की तरफ जाएंगे, हैदराबाद से टंडो मोहम्मद खान की तरफ, तो दाहिने हाथ पे जील पार्क सीमेंट फैक्ट्री पड़ती है और यहां से काफी आगे जाना पड़ता है उस जगह जाने के लिए जहां पर कदीम कदमगा या मौला अली अलैहिस्सलाम की चिल्लागाह या सजदागाह, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं, वो वाक्य है। तो चलें, चलते हैं। ये जील पार्क सीमेंट फैक्ट्री का मेन गेट देखिए, और ये यहाँ से हमें सीधे आगे जाना है मेन टंडो मोहम्मद खान रोड पर। जील पार्क सीमेंट फैक्ट्री से काफ़ी आगे जाके तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला है, तो बाएँ हाथ पर आपको मिलेगा ये मलंग होटल। देखिए ये मलंग होटल है। मैं ये रास्ते आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां हर आदमी आसानी से पहुंच सके, किसी को किसी की मदद की जरूरत ना हो। ये देखिए आप, ये मेन टंडो मोहम्मद खान हाईवे, और ये सामने जो रास्ता है जो दोनों तरफ से दरख्तों में घिरा हुआ है और एक ही राहदारी आगे जा रही है, इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये मलंग होटल के बिल्कुल सामने ये रास्ता, ये जा रहा है हजरत निहाल शाह नूरी की दरगाह पर। यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है अंदर पहाड़ों में। ये देखिए आप, ये जगह आप देख लें, ये रास्ता जा रहा है सीधा दरगाह सैयद निहाल शाह नूरी पर। ये देखिए आप, मलंग होटल के बिल्कुल सामने। मलंग होटल से जैसे ही आप आगे चलेंगे तो थोड़ा सा आगे ये पुराना मलंग होटल, ये देखिए आप रोड की दूसरी साइड पे, और थोड़ा सा इसके आगे आप जाएंगे तकरीबन 200 या 300 गज का फासला होगा, तो आपको सड़क के दरमियान चलने वाली इस डिवाइडिंग दीवार पर पहला ही कट मिलेगा ये। यहाँ से आपको रोड क्रॉस कर लेना है और ये रास्ता, ये देखिए, ये है निगाह मदीना होटल। ये निशानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये है निगाह मदीना होटल, और इसके साथ ये रास्ता अंदर जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है सीधा मौला अली अलैहिस्सलाम की सजदागाह या चिल्लागाह की तरफ। ये बहुत बियाबान और जंगल रास्ता है, यहाँ पे आपको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। ये बहुत ख़तरनाक और वीरान रास्ता है जिस पे ना कोई रोड है ना कुछ है, बस सिर्फ रोड़ी, पत्थर, बियाबान, दूर दूर तक यहाँ पे कोई बंदा आपको नज़र नहीं आता। ये देखिए आप, कुछ नहीं नज़र आएगा आपको यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वीराना है। यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि आप यहाँ आकर और सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले निकल जाएं, वरना रात को आप यहाँ रास्ता भी भूल सकते हैं। बहुत वीरान जगह है ये। ये देखिए आप, सामने आपको सफ़ेद निहाल शनूरी, ये और ये है मौला अली की सजदागाह या कदमगाह जिसको कहा जाता है। आपको इसके पास अब चलते हैं, ये पहुँच गए हम यहाँ पर। ये देखिए, ये देखें आप,
ये यहाँ पे वीराना किस टाइप का वीराना है ये देखें आप, ये सामने ये देखें आप वीराना, ये चारों तरफ ना आदम ना आदमजाद या कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पहाड़ और पत्थर है। ये देखिए इस जगह पे हम खड़े हैं, सामने आपको दूर जो सफ़ेद रंग की नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये है दरगाह हज़रत सैयद निहाल शाह नूरी की। ये यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए आप ये देखिए आप, ये है दरगाह हज़रत निहाल शाह नूरी, और इसके बिल्कुल सामने तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर का फ़र्क होगा, बिल्कुल पहाड़ी और बंजर बियाबान रास्ता है जिसपे सिर्फ आप पैदल आ सकते हैं या मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं या 4x4 गाड़ी हो तो उस पे आ सकते हैं। यहाँ पे तो उसके बिल्कुल सामने ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये जूमिंग में चल रहा हूँ मैं आपके साथ, ये देखिए आप ये जो आपको नज़र आ रही है मज़ार, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सजदा गाह है या कदम गाह है हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की। अब इसके पास चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, फिर आपको भी बताते हैं, हम भी देखते हैं, चलें आए चलते हैं इसके साथ। खड़े हैं बिल्कुल कदम गाह या सजदा गाह जिसको कहा जाता है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की सजदा गाह है, और यहाँ पर उनके सजदा मुबारक के या कदम मुबारक के निशान है। तो आए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको, हम भी देखते हैं, हम भी आज पहली दफ़ा आए इस वीराने में। शायद हैदराबाद के लोगों को या पाकिस्तान के सिंध के लोगों को इसमें खले 10% लोगों को भी इसके बारे में इल्म नहीं होगा, और ये बिल्कुल पोशीदा और छुपी हुई जगह है। आए चलते हैं, आ जाए। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा अलम लगा हुआ है दरगाह के बाहर, और ये दरगाह में जाने के लिए 3-4 सीढ़ियां बनी हुई है, थोड़ी सी ऊंचाई पर है दरगाह। आए चले अंदर चलते हैं। ये देखिए आप, ये बिल्कुल वही कदीम तर्ज तामीर है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये छोटी ईंटों की तामीर है, बिल्कुल उसी तरीके से बनी हुई है जैसे कि कदीम मकबरे या कुछ होते हैं। यहाँ पे इसको आप चारों तरफ से देखते हैं, इसके ऊपर एक मुस्ततील नमूने का ये गुंबद है। ये देखिए मुस्ततील नमूने का गुंबद है, ये तकरीबन इमारत मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, ये देखिए आप इधर, ये देखिए बेहतर है, वो चीज़ नहीं है इसमें जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो या क्या हो, लेकिन ये कुछ बेहतर है इमारत, और ये अभी अपनी जगह पे कायम है। आए साइड से भी देखते हैं इसको चारों तरफ से, बेहतर गुड, ये अपनी बेहतर कंडीशन में है। ये देखिए वही छोटी ईंटों की तर्ज तामीर है इसमें, जो पक्का किला हैदराबाद की तामीर में इस्तेमाल की गई हैं ईंटें, या और दीगर इमारतों में जो कदीम है उसमें। दरगाह के बाहर एक ये देखिए आप, ये दरगाह के बाहर या सजदागाह के बाहर एक कबर है छोटी, अब वल्लाह आलम ये किसकी कबर है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता निशान, ये हो सकता है कोई यहाँ पे पुराना मुजावर हो उसकी कबर हो। ये देखिए दरगाह में या इस सजदागाह में जाने के लिए एक छोटा सा कदीम दरवाज़ा है, ये वही तर्ज तामीर है, वही चीज़ है जो आपको कदीम कलोड़े दौर की इमारतों में या तालपुर दौर की इमारतों में मिलता है। दरगाह मक्की शाह पे भी आप जाएंगे हैदराबाद में तो आपको यही चीज़ मिलेगी, इसी तरह के छोटे छोटे तंग दरवाजे आपको जहां भी आपको पुराने दौर की इमारत मिलेगी वहां पे हैदराबाद में इसी टाइप के तंग और छोटे दरवाजे हैं। तो चलें आए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा अंदर कमरा है, मैं समझता हूँ ये 8x10 का होगा शायद, या 10x10 का ऐसा होगा। इसमें पुराने दौर में कोई देखिए आप खिड़कियां बनाई गई होंगी मेहराबदार, ये देखिए एक ये दो, उसके साथ ये देखिए ये तीसरी मेहराब, और ये एक मेहराब नमूने की जैसे ये मस्जिद में होती है, ये आप दिख रहे हैं पूरा, ये देखिए आप ये बनी हुई है, एक खिड़की ये है, दो खिड़कियां यहां पर है। या तो इसको देखते हैं चेक करते हैं,
नहीं, ये पुरानी तामीर है बिल्कुल, और ये उसी दौर से बंद है, ये खिड़कियां नहीं है, ये मेहराबे हैं। शायद ये ताक वगैरह या रोशनदान वगैरह या चिराग वगैरह रखने के लिए बनाई गई होंगी उस दौर में। यहाँ पर ये देखें, ये दिए रखे हुए हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ जिनको मालूम है वो यहाँ पे अपनी मन्नतों के लिए कुछ करने के लिए ये दिए जलाते हैं, ये दिए रखे हुए हैं, या अगरबत्तियों का एक स्टैंड पड़ा है यहाँ पे, ये एक मॉडल है इमाम अली के रोजे का, ये देखें आप, जो नजफ में रोजा है उसका मॉडल है, ये जो ताजिए वगैरह लोग बनाते हैं उस टाइप का यहाँ रखा गया है, लोग इस पर फूल पत्तियां डाली हुई है। सामने ये देखें आप, ये बाबा सलाहुद्दीन जिनका मशहूर मारूफ मजार कोटरी में है, उनकी एक छवि यहाँ लगाई गई है। बाकी यहाँ पे हजरत अली करवल्ला वजह से मुतलका शेर या कुछ आयात और कुछ और चीजें यहाँ पर तस्वीर वगैरह लगाई गई है। ये इमाम अली असगर का झूला मुबारक, ये देखिए आप, ये भी झूला है छोटा सा। ये दरगाह असल में ये देखिए, और जो मेन चीज है आप ये देखें, यहां पर इसमें कुछ नहीं है इन चीजों के अलावा, ये पुरानी तामीर है। और यहां पर ये देखिए आप, ये एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, ये सीमेंटेड है, शायद सीमेंटेड है, और इस पे लिखा हुआ है कदम मुबारक इमाम अली अलैहिस्सलाम। इसके ऊपर ये शीशे का एक बॉक्स बनाया गया है और उसके अंदर ये एक पत्थर नस्ब किया गया है। ये देखिए आप, करीब से लाए इसको, जूम करें आप, ये देखिए आप, ये एक पुराना पत्थर है, ये देखिए आप, इस पे एक ये निशान है, ये देखिए आप, ये वाला ये निशान है, जैसे कोई इंसान कभी इस पे खड़ा हुआ हो तो कीचड़ में मट्टी में जिस तरह फुटप्रिंट आ जाता है, पांव का निशान आ जाता है, तो उस टाइप का ये बिल्कुल ये निशान है। ये देखिए आप, एक ये निशान है, ये देखिए आप, ये एक गढ़ा सा है छोटा सा, ये शायद ये भी किसी टाइप का निशान है। ये देखिए आप, यहां से ये पत्थर टूट फूट का शिकार है, ये देखिए आप, ये टूट फूट का शिकार है। और इसमें और देखिए कोई और निशानी मिले हमारे को, ये देखिए, नहीं ऐसी कोई निशानी यहां पे और नहीं है। इसके अलावा ये दो निशान है यहां पे, एक फुटप्रिंट है और एक ये गढ़ा सा है नमूना। और इसमें इसके बारे में कहा जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान है। इसको आप थोड़ा सा दूर से लें सही तरीके से, ताकि लोगों को जूम भी करें, ताकि जायरीन को और जो अकीदतमंद हैं उनको आसानी हो देखने में, उनको वाज़ेह नजर आए। आए करीब आए आप, ये निशान ये वाला, ये देखिए, ये है फुटप्रिंट, कहा जाता है इसको कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फुटप्रिंट है ये। और बाकी ये देखिए छतें इसकी वही है पुरानी, ये देखिए, ये बिल्कुल कम से कम मैं समझता हूं कि ये 200 से 300 साल पुराना होगा, ये या तो करोड़ों के दौर में बनाया गया है इस मकबरे, इस जगह को, इस ज़ियारत को, या तालपुरों के दौर में बनाया गया है। ये इतनी कदीम है, बिल्कुल बिल्कुल है ये कदीम। आए बाहर रहे, और अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि इस दरगाह से मुमासलत रखती हुई एक और कदीम दरगाह या मज़ार मौजूद है इसी हैदराबाद में साइट एरिया में, जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है, जिसकी तर्ज तामीर बिल्कुल सेम है, सब कुछ यही है, इसी तरीके का एक और मज़ार है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। लेकिन पहले यहाँ का हम आपको पूरा दिखाएं कि यहाँ क्या है। आए यहाँ पर देखें, आ जाए, ये देखिए आप, इस सजदागाह के या चिल्लागाह के बाहर या कदमगाह के बाहर ये कदीम कब्रें हैं, ये बहुत पुरानी कब्रें लग रही हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल ये कदीम कब्रें हैं, इसमें कोई जिद्दत नहीं है, कुछ नहीं है, पुराने इसमें पत्थर लगे हुए हैं उसी टाइप के जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं जावाजा, मगर ये जा पुराने पत्थर भी वो हैं जो लग रहे हैं, जो अपनी कदामत जाहिर कर रहे हैं कि बहुत कदीम पत्थर है ये। ये देखिए, चले आए नीचे चलते हैं, आपको वहां से इसको करीब से दिखाते हैं कुछ कब्रों को, और इसका पूरा कब्रस्तान भी आपको दिखाते हैं। आए ये देखिए आप, ये बिल्कुल कदीम कब्रें हैं, बिल्कुल कदीम कब्रें हैं। इन पत्थरों की हालत बता रही है कि कम से कम नहीं तो इनको सदियां गुजर चुकी हैं यहाँ पे। ये देखिए,
काले पड़ चुके हैं पत्थर इम्तदाद ज़बाना की उससे हवा जिससे। ये देखिए बाहर ये शायद एक देखें आप, ये छोटी सी किसी ने बाढ़ नमूने की बनाई है कब्रिस्तान की जो है, ये हद मुतय्यन करने के लिए। ये देखिए आप, ये रास्ता भी छोटा सा बनाया है। ये देखिए आप, ये बाढ़ नमूने की बन रही है जैसे एक बाउंड्री वॉल टाइप की मट्टी से किसी ने बनाई है। ये देखिए आप, मगर इन कब्रों से लगता है कि ये कोई ऐसी कब्रें नहीं है जो कि मुझे मेरा जाती राय है ये, बाकी वल्ला आलम इस पर कोई तहकीककार इस पर मजीद तहकीक करे इस कब्रिस्तान के बारे में तो पता लगे। क्योंकि ये जो दरगाह है ये तकरीबन अब्बासी या तालपुरों के दौर की है यहाँ पर ये, और ये कब्रिस्तान भी ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये आवाम की कब्रें नहीं है या ऐसी कोई कब्रें नहीं है जो वक्तन फवक्तन 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद या टाइम टू टाइम यहाँ पे दफन होते रहे हो। ये एक साथ बनाई गई कब्रें हैं, इनकी कब्रों के इनके पत्थरों के हालात बता रहे हैं। तो मुझे शक है कि ये जगह शायद कोई ऐसी है कि यहाँ पे किसी दौर में कोई जंग वगैरह हुई हो, यहाँ पे कोई ऐसी लड़ाई हुई हो जिसमें मारे जाने वालों की ये कब्रें हों। वल्लाह आलम मेरे को जो शक हो रहा है वो इस टाइप की, एक साथ इस टाइप की कब्रें मुमकिन नहीं है क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान के जहन और हालात और सोच बदल जाती है। अगर ये बाद की भी इसमें कोई कब्र होती तो उसका डिज़ाइन उसका तरीकाकार उसका पैटर्न मुख्तलिफ होता, मगर ये पैटर्न सेम है। किसी कब्र के किनारे देखें आप, बहुत बड़ा पत्थर लगाया गया है। ये देखिए आप, आ जाए आए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए आप, ये देखें आप, किसी कब्र के सिराने पे बहुत बड़ा पत्थर लगाया गया है, किसी के सिराने पे ये देखें कोई छोटे पत्थर हैं, ये देखें इससे साइज में, किसी के किनारे सिराने पे और छोटे हैं। यानी ये मे भी हो सकता है कि ये पुराने दौर में यहाँ कोई जंग या लड़ाई हुई हो जो ये कब्रिस्तान यहाँ पे बनाया गया उन फौजियों का, और उनके रैंक वाइज या उनके ओहदे के हिसाब से उनकी कब्रों के ऊपर ये पत्थर लगाए हो गए हों कि बड़े ओहदे का बंदा है तो उसके बड़े का बड़ा पत्थर, छोटे रैंक का है तो छोटा पत्थर, वल्ला आलम। लेकिन इस पर तहकीक कारों को मैं दावत देता हूँ कि यहाँ पे आएं और इस जगह को खोजें, यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मुझे यकीन है इस बात पर। अगर यहाँ पे चंद आसार कदीमा अगर यहाँ पे खुदाई करें इस जगह पे तो हो सकता है कि पुराने ज़माने की आपको कोई तलवारें या तीर या कमान या कोई ऐसी आलात हर्ब कोई ऐसी चीज़ें मिलें, बिल्कुल मिलेंगी आपको इंशाल्लाह। चले आए चलते हैं आगे देखते। ये इस चिल्ला गाह के चारों तरफ ये देखें आप, ये कदीम कब्रिस्तान है। ये देखें आप, ये सारा कदीम कब्रिस्तान है, कोई इस पर निशानदेही नहीं है, निशानदेही नहीं है किसी कब्र की, कि कौन सा किसकी है, कोई नाम कोई निशान कुछ नहीं है, सब एक जैसी कब्रें हैं, सब सिर्फ इनकी निशानदेही इस तरह हो रही है कि किसी कब्र के ऊपर सिरहाने पर बड़ा पत्थर लगाया गया है, किसी के सिरहाने पर छोटा पत्थर लगाया गया है। अच्छा, यहाँ एक तो कोई बंदा नहीं है जिससे मालूमात हो सके, और हमारे औकाफ डिपार्टमेंट को, महकमा औकाफ को भी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ लिख के लगा दे या कोई ऐसी चीज़ बना दे जिससे आने वालों को ज़ायरीन को कुछ यहाँ पे मालूमात मिल सके। ये देखिए, अच्छा इसके बारे में यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है, लेकिन हमने जब यहाँ पे सामने मौजूद दरगाह निहाल शाह नूरी का विजिट किया, वहाँ पे हमने जाके मालूमात हासिल की, तो वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो मौला अली के कदमगाह पर कदम मुबारक का निशान या पत्थर नस्ब है वो पहले यहाँ नस्ब था, यहाँ से तालपुरों के दौर में उसको उखाड़ के और वहाँ पे नस्ब किया गया ताकि वहाँ पे ज़ायरीन जो बीच शहर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख सके। तो वल्ला आलम क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन सीना गजरट है, लोग यही कहते हैं कि जो कदमगाह पे पत्थर नस्ब है जिसपे मौला अली की सजदे के कदम के हाथों के निशान हैं वो पहले इस जगह पे नस्ब था, यहाँ से तालपुर दौरे हुकूमत ने उसको उठा के वहाँ ले जाके बीच शहर में किले के साथ नस्ब किया गया। तो ये थी इस जगह के बारे में मालूमात जो बिल्कुल पोशीदा है, हैदराबाद के लोगों को इल्म नहीं है।
तो मैंने आपको इस बारे में आगाह किया, आपको दिखाया। चला अब आपको चलते हैं लेके साइट एरिया हैदराबाद में वाके एक और मज़ार पे, जो बिल्कुल इसी सेम तर्ज तामीर का बना हुआ है और तकरीबन इतना ही कदीम है, जिसको लोग जानते ही नहीं है। चले आए चलते हैं।